भारतीय बाजार की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी आखिरकार नए साल के मौके पर अपनी जबरदस्त कारों के साथ एंट्री लेने के लिए तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने सही सुना, तो अगर आप भी इस नए साल के मौके पर अपनी छोटी फैमिली के लिए बजट सेगमेंट में कोई एसयूवी कार को तलाश रहे हैं तो भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी नए अवतार वाली ऑल्टो 2024 मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो 2024 का इंतजार काफी लंबे समय से देखा आ रहा था। अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप इस कार को आसानी से घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। एसयूवी वाली अंदाज में आने वाली ऑल्टो 2024 की सबसे बड़ा अंदाज इस कार का लुक होने वाला है, जो कि कई माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की 5 लाख रुपए वाली कारों को टक्कर देने वाली है। बता दें कि ऑल्टो को आज भी मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ये छोटे होने के साथ ही साथ छोटी फैमिली के लिए बजट सेगमेंट में मध्य वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए कार लेने का सपना पूरा आज भी करती आई है। ऑटो एक्सपो के दौरान हुए इस कार को प्रदर्शित करने के बाद से हर कोई इस कार का दीवाना होते चले आ रहा है। अब वो घड़ी आने वाली है जब इस कार को नए साल के मौके पर ऐसे भी अंदाज और जबरदस्त स्मार्ट जमाने के साथ नए फीचर्स डिजाइन और लुक के साथ लाया जा रहा है। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 ऑल्टो में क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है। अपनी आई नई चहेती 2024 ऑल्टो को आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन अवतार के साथ ये कितनी बड़ी नजर आ रही है। पुराने मॉडल के मुकाबले ऑल्टो को बड़ा डिजाइन और चौड़े मस्कुलस लुक के साथ लाया जा रहा है। फ्रंट लुक से देखें तो ऑल्टो के अंदर बोरिंग हेडलैम्प्स को अब हटा दिया गया है। इस कार में आपको स्लिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप दोनों साइड देखने को मिल जाता है, जिसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स की प्रणाली का इस्तेमाल ऑल्टो जैसी सेगमेंट की कार में भी किया गया है। आने वाली ऑल्टो में आपको नए डिजाइन की न्यू रेटिना अपडेट ग्रिल ऑप्शन भी दिखाई देती है, जिसमें सुजुकी के नए चमचमाते हुए लोगो को ऐड किया गया है, जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ कार के लुक को और भी ज्यादा स्टाइलिश बना रहा है। साथ ही साथ मारुति सुजुकी ने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के अंदर एक बेहतरीन बम्पर प्रणाली का भी इस्तेमाल किया है, जो कि स्पोर्टी लुक के साथ इस कार को बाहर से स्पोर्टी और मस्कुलस लुक दे रहा है, जिसमें लगे फॉग लैंप बिल्कुल नए डिजाइन के साथ ऑल्टो जैसी कार में आपको मिल जाते हैं। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो फ्रंट लुक से काफी एग्रेसिव नजर आ रही है। साइड प्रोफाइल से गौर किया जाए तो देख पा रहे हैं कि ऑल्टो अपनी ऊंची और चौड़ी नजर आती है, जिसके कारण इस कार में आपको मिलते हैं 17 इंच के बड़े टायर। पुराने मॉडल के मुकाबले ऑल्टो के अंदर अब आपके लिए बड़े टायर, जो कि कंपनी फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ इस कार को ऑफरोडिंग दीवानों के लिए काफी खास बना रहे हैं। साथ ही साथ आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 ऑल्टो की ग्राउंड क्लीयरेंस के ऊपर गौर किया जाए तो इस कार को ऊंचे मॉडल के साथ डिजाइन दिया गया है, जिसके चलते अब किसी भी तंग रस्तों पर इस कार को चलाया जा सकता है। ऑल्टो के अंदर और भी खास बातों का ध्यान रखते हुए इस कार में नए हैंडल्स बार, क्रोम फिनिशिंग के साथ दोनों साइड विंग्स में एक्शन कैमरे की प्रणाली ऑल्टो जैसी कार को मार्केट में खास बना देती है। जितना कार को बाहर से खूबसूरत और दमदार ऑप्शन के साथ डिजाइन किया गया है, उतना ही जबरदस्त कार में एक बेहतरीन इंजन प्रणाली का इस्तेमाल भी किया गया है। आखिरकार बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देते हुए 2024 में महंगाई के दौर में ऑल्टो जैसी कार अब 800cc के ऑप्शन के साथ नहीं, बल्कि अपने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस इंजन ऑप्शन के साथ डिजाइन की गई है। ऑल्टो की अब इंजन तथा पावर की बात करते हैं तो इस कार में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन, जो कि भारत की सड़कों पर आउटपुट के मामले में 120 bhp की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 130 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में आपको 5 स्पीड EMT 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन मिल जाते हैं। माइलेज की बात कर ली जाए तो भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार ऑल्टो का माइलेज प्रति लीटर में 28 से लेकर 30 के आसपास बताया जा रहा है, जो कि वाकई में ही काफी अच्छी बात है। आज के जमाने में कम बजट में हर कोई ग्राहक अपनी कार में फर्स्ट क्लास फीचर्स चाहता है और स्मार्ट जमाने के साथ कार स्मार्ट भी होती चली आ रही है। मारुति सुजुकी ने भी अपनी ध्याति यानी छोटी बजट सेगमेंट की कार ऑल्टो जैसे मॉडल को भी पूरे नए अंदाज और फीचर्स डिजाइन के साथ ही बेहतरीन 10 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स के साथ लेस करके हर किसी के दिलों पर राज करने के लिए एक बार फिर से इस कार को नए अवतार में उतारने का फैसला लिया है। जितना कार को बाहर से खूबसूरत और शानदार बनाया गया है, उतना ही ऑल्टो के अंदर आपको फीचर्स की भरमार मिल जाती है। तो आइए फिर वीडियो में बात कर ली जाए आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 ऑल्टो के इंटीरियर से लेकर फीचर्स की बात, जो कि आप वीडियो में साफ साफ अपनी ऑल्टो को देख पा रहे हैं कि अपने डिजाइन और इंटीरियर के मामले में कितनी खास नजर आ रही है। ऑल्टो के डैशबोर्ड पर नजर डाले तो देख पा रहे हैं कि ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ इस कार में वुड
वुडन का लाइनअप भी आपको देखने को मिल जाता है, जिससे ऑल्टो बैठने के बाद आपको जरूर से प्रीमियम फील तो करवाने ही वाली है। दोनों साइड बिल्कुल नए डिजाइन के क्रोम फिनिशिंग के साथ चमचमाते हुए ऑटोमेटिक एसी वेंट्स ऑल्टो जैसी कार को मार्केट में कई सेगमेंट की कार से आगे बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ ऑल्टो जैसी अब बजट सेगमेंट की कार में आपको स्मार्ट 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ सेंट्रल कंसोल की शान बढ़ाने वाला ऑल्टो जैसे मॉडल में आपको 9 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो से लेकर एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम से लेकर यूवीए कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस कमांड जैसे बेहतरीन फंक्शंस एआई द्वारा आपके लिए एक्सेस करने का मौका इस कार में मिल जाता है, जिससे आपकी कार आपकी स्मार्ट हो जाती है और साथ ही साथ आपको भी स्मार्ट बैठने के बाद बना देती है। साथ ही साथ एडिशनल फीचर्स पे गौर किया जाए तो ऑल्टो जैसी कार में आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग, डी प्लगिंग ऑप्शन, हारमन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन म्यूजिक सुनने वालों को ऑल्टो जैसी कार में दीवाना बना देते हैं। अब बात कर ली जाए फाइनली इस कार के सीटिंग ऑप्शन और स्पेस के बारे में, तो मार्केट में ऑल्टो पुराने मॉडल से बड़ी है क्योंकि इस कार को ऐसे भी अंदाज मिल चुका है, यानी 5 से 6 लोग और भी कम्फर्टली बैठ के ऑल्टो जैसी कार में सफर कर सकते हैं। आजकल माइक्रो एसयूवी कारों की डिमांड बढ़ने के साथ ही साथ हर कोई ग्राहक अपनी सेफ्टी पे भी काफी ध्यान दे रही है, और स्मार्ट जमाने के साथ कारें स्मार्ट भी होती जा रही है। एआई का भी जमाना आ चुका है, एआई के द्वारा कई सेगमेंट की कारों में सेफ्टी फीचर्स को जोड़ा जा रहा है, और मारुति सुजुकी भी स्मार्ट हो चुकी है, नई कारों को अपने सेकेंड जनरेशन हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बना के एक के बाद एक लॉन्च कर रही है। तो मारुति सुजुकी ने आखिरकार अपने ऑल्टो को भी इसी सेकेंड जनरेशन हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बना डाला है, जिसके चलते ऑल्टो 90% तक स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, जिसके चलते कार को पहले ही ग्लोबल एनसीपी क्रेस्टस मार्कों के तहत 5 की रेटिंग मिल चुकी है। यानी अब 2024 में इन कारों को टीन का डब्बा नहीं बल्कि कई सेगमेंट की कारों को चुनौती देने के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए अब बात कर ली जाए इस कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में आपको पहली बार 3 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा मिल जाती है, फ्रंट पे एक ही एयरबैग्स देखने को मिलता था। साथ ही साथ इस कार में एबीडी के साथ एबीएस रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक और फ्रंट कैमरा, आईएफएस और विंडशील्ड लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को मार्केट में खास बना देते हैं। बात कर ली जाए नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के लॉन्चिंग तथा कीमत के बारे में, तो मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो की स्टार्टिंग कीमत 3.90 लाख रुपए एक्सट्रीम प्राइस वो भी एसयूवी वाले अंदाज में होने वाली है। तो अगर आप भी अपनी ऑल्टो को घर बैठे ही बुक करने का प्लान बना चुके हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए, मिलेगा डायरेक्ट लिंक जहाँ पर विजिट करके जानकारी लेकर कार को आज ही बुक कर लीजिए। वीडियो बनाने में लगता है काफी टाइम, तो ऑल्टो के लिए बन जाता है आपका एक खूबसूरत लाइक, तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।